हाय फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का आगे टॉपिक। तो आज हम करने जा रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट और प्रिवेंशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब कि हम कॉन्फ्लिक्ट होने से कैसे रोक सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। जिसके हम जानते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन तो हर किसी ऑर्गेनाइजेशन में होती होती है, तो हम उसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, उसे रोक कैसे सकते हैं। तो इसके दो अप्रोचेज है, हम दोनों अप्रोचेज करेंगे, प्रिवेंटिव मेजर्स एंड क्यूरेटिव मेजर्स। तो सबसे पहले हम करने जा रहे हैं प्रिवेंटिव मेजर्स। तो उसमें फर्स्ट आता है ट्रस्ट एंड कम्युनिकेशन। ये तो हम सब जानते हैं कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लॉयज़ के बीच में ट्रस्ट होगा तो उनमें ओपनली कम्युनिकेशन भी होगी, वो खुल के अपनी बात एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। और अगर खुल के शेयर कर सकते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस काफ़ी कम होते हैं, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को समझते हैं कि हाँ, उसको भी ये प्रॉब्लम है तो मुझे समझना चाहिए। तो इस हिसाब से अगर ट्रस्ट और कम्युनिकेशन हो तो कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट है रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ ग्रुप्स। इसमें यह है कि हम ग्रुप भी ऐसे लोगों का बनाएं जिनकी हैबिट्स, जिनकी क्वालिटीज, जिनका इंटरेस्ट काफ़ी सिमिलर हो, ताकि उनमें कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी कम हो। जैसे कि कोई इंट्रोवर्ट पर्सन है, उन्हें जैसे मान लो कोई काफ़ी कॉम्पिटिटिव वर्क करके राजी है, तो उसी टाइप का एक ग्रुप बना दिया जिसकी वजह से वो सारे एक दूसरे को समझ भी पाएंगे और उन सभी का एक ही कॉमन इंटरेस्ट होगा, तो जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। नेक्स्ट है रिडक्शन इन शेयर रिसोर्सेज। काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इस वजह से होता है क्योंकि रिसोर्सेज स्कार्स होते हैं, काफ़ी कम होते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों को शेयर करना पड़ता है। तो जिसकी वजह से लड़ाई होती है कि वो कहते हैं कि हमें भी ये चाहिए, दूसरे कहते हैं हमें भी ये चाहिए। तो इसका सजेशन बस यही है कि रिसोर्सेज ज़्यादा इंक्रीज किए जाएँ ताकि हर डिपार्टमेंट अच्छे से यूज़ कर सके रिसोर्सेज को और किसी के बीच भी कोई लड़ाई ना हो। अब नेक्स्ट है रिडक्शन इन इंटरडिपेंडेंस। सबको एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर काम करना पड़ता है। जैसे कि अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोड्यूस करेगा तभी तो सेल्स डिपार्टमेंट सेल करेगा, तो जिसकी वजह से काफ़ी लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं या किसी भी रिसोर्सेज की वजह से। तो अगर हम इंटरडिपेंडेंस एक दूसरे पर कम कर देंगे किसी भी तरीके से कि हम पहले ही टाइम लिमिट डिसाइड कर दें कि इस टाइम तक ये होना चाहिए, तब तक सेल्स डिपार्टमेंट तक ये पहुँच जाएगा, इस तरह के रेगुलेशंस बनानी चाहिए ताकि इंटरडिपेंडेंस खत्म हो जाए और कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस काफ़ी कम हो जाएं। अब नेक्स्ट है इस्टेब्लिशिंग कॉमन गोल्स। इसमें यह कि कॉमन गोल इस्टेब्लिश करना चाहिए सभी डिपार्टमेंट्स के बीच में ताकि कॉन्फ्लिक्ट कम हो। क्योंकि अगर हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग वो होगा ऑब्जेक्टिव, अलग अलग गोल होगा, तो लड़ाई होगी। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का क्या है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फंड सेव करना है, पर सेल्स डिपार्टमेंट का उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सेल करनी है। वो सारे सिर्फ अपना अपना देखते हैं पर कोई ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन ऑब्जेक्टिव नहीं देखना। इस तरह से अगर कॉमन ऑब्जेक्टिव को लेके चले तो ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट की चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। अब नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन। अगर कोऑर्डिनेशन होगी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्वियसली उसमें कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी कम होंगे, क्योंकि वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके काम चले कि हाँ, अब उसका काम हुआ, अब मेरी टर्न है, मेरे को करना है। एक दूसरे को समझते हैं, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होती है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ सुपीरियर अथॉरिटी। इसमें यह है कि अगर किसी भी दो एम्प्लॉयज़ के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है और वो सॉल्व नहीं हो रहा, तो किसी भी ऊपर की अथॉरिटी के पर्सन को बीच में लेके आएंगे ताकि वो कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर सके, जिसके पास वो अथॉरिटी होगी। अब ये थे सारे प्रिवेंटिव मेजर्स कि हम कैसे कॉन्फ्लिक्ट होने से रोक सकते हैं। अब नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं क्यूरेटिव मेजर्स। आप लोग सोच रहे हो कि प्रिवेंटिव मेजर्स और क्यूरेटिव मेजर्स में डिफरेंस क्या है। तो प्रिवेंटिव मेजर्स तो वो होते हैं कि अभी तक कॉन्फ्लिक्ट को हुआ नहीं है पर होए ना, इसलिए हम पहले ही उस चीज़ को सॉल्व करके चले कि पहले ऐसा इन्वायरमेंट बना दे ताकि बाद में कॉन्फ्लिक्ट ना हो। पर क्यूरेटिव मेजर्स में ये है कि कॉन्फ्लिक्ट हो गया, अब उसको सॉल्व कैसे करना है, तो इनमें ये डिफरेंस है। तो इसमें फर्स्ट है अवॉइडेंस। अवॉइडेंस मीन्स किसी को भी इग्नोर करना। तो इसमें ये है कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट कोई ज़्यादा सीरियस सिचुएशन में नहीं गया, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो हम सिंपली उसे अवॉइड कर दें कि कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ ही नहीं है, कि ताकि वो भी दूसरी पार्टीज भी थम जाएं कि चल कुछ हुआ ही नहीं है, वो लोग भी तो सीरियस ही नहीं ले रहे हैं। तो इस तरीके से अवॉइड कर दें कॉन्फ्लिक्ट को कि अगर उसके कॉन्सिक्वेंसेज ज़्यादा हाई नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ तो। अब नेक्स्ट है कम्पीटिंग। अब कम्पीटिंग में ये है कि ये इन पॉइंट्स को ना ध्यान से समझना, क्योंकि ये सारे काफ़ी रिलेटेड है एक दूसरे के। कम्पीटिंग में ये है कि दो पर्सनस है ए और बी, उन दोनों में लड़ाई हो रही है और जो ए पर्सन है वो समझता है कि मैं ही सबसे ज़्यादा हूँ और दूसरे की गलती है, मैं बिल्कुल सही हूँ। वो अपने आप को ही काफ़ी महत्व देता है, जिसकी वजह से ये सिचुएशन में काफ़ी लड़ाई होती है।
बी पर्सन भी बिल्कुल ए पर्सन की तरह से सोचता है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट सोल्व हो ही नहीं पाता, कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन बढ़ती ही जाती है। अब कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन में ये होता है कि जो पर्सन जैसे ए और बी हैं, वो अपने बारे में भी सोचता है और दूसरे बारे की में भी सोचता है। वो समझता है कि अगर मेरी गलती है, मुझे नुकसान हुआ है, तो दूसरे पर्सन को भी नुकसान हुआ है, उसकी भी गलती है, वो भी अपनी जगह सही है, मैं भी अपनी जगह सही हूँ, जिसकी वजह से वो दोनों लड़ाई को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे से समझौता कर लेते हैं कि हाँ हम प्रॉब्लम को अब सॉल्व कैसे करें। अब नेक्स्ट है अकोमोडेटिंग। अब अकोमोडेटिंग में ये है कि जैसे दो पर्सन है ए और बी, तो ए सोचता है कि मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और वो बी के बारे में सोचता है कि हाँ वो सही है, उसको ये भी परेशानी हो रही है, वो भी हो रही है, तो मतलब मैं ही इस लड़ाई को सॉल्व कर देता हूँ, और ऐसे ही बी भी सोचता है, जिसकी वजह से लड़ाई आगे बढ़ती नहीं है, और वो दोनों एक दूसरे से समझौता करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि हाँ उनकी खुद की गलती है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट की कोई सिचुएशन अराइज ही नहीं होती। अब नेक्स्ट है कॉम्प्रोमाइजिंग। कॉम्प्रोमाइजिंग में ये होता है कि ए और बी पर्सन है, ए अपने बारे में भी सोच रहा है, बी के बारे में भी सोच रहा है कि हाँ हम दोनों को लॉस होगा, जो भी कुछ होगा, तो इससे अच्छा कि हम कॉम्प्रोमाइज ही कर लेते हैं। पर इसमें कॉम्प्रोमाइज शॉर्ट टर्म के लिए होता है कि एक बार के लिए कर लेते हैं, आगे इसका सोल्यूशन बाद में ढूंढ लेंगे। तो कॉम्प्रोमाइजिंग में और कोलैबोरेशन में क्या डिफरेंस है? इसमें ये कि कॉम्प्रोमाइजिंग में शॉर्ट टर्म के लिए सोचते हैं और कॉम्प्रोमाइजिंग में फाइनली सोल्यूशन वो ढूंढ ही लेते हैं। तो ये थे सारे क्यूरेटिव मेजर्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके पूछ सकते हो। थैंक यू।